सीनियर्स के नाइट कॉल के चक्कर में नीति पता नहीं कहाँ चली गई। अगर उसको कुछ हो गया ना, मैं छोड़ूंगा नहीं इन सीनियर्स को, इनकी बाट लगा दूंगा मैं। तो इसमें उनकी क्या गलती है, ये तो उनका ट्रेडिशन है, पर नीति को क्या जरूरत थी इस गेम को इतना सीरियस लेने की? वही तो, अब पूरे स्कूल में छाए मार लिया हमने, कहाँ ढूंढे उसको? सैली मुझे लगता है वो बाहर ही गई है। यार सैली हम उसको बाहर देख के आते हैं, आ जा। तू पागल हो गया है क्या? तूने देखा नहीं आते टाइम गेट पे कितने गार्ड्स खड़े थे? ये स्कूल इतना स्ट्रिक्ट है, वो हमें कभी बाहर नहीं जाने देंगे। तो अपनी लॉजिक्स मत बढ़ाया कर हमेशा, उसको ढूंढने ना जाए, नीति को ना ढूंढे हम। यार मैं सच बता रहा हूँ, तू आ जा, कुछ ना कुछ हम ढूंढ लेंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे। आ जा। What are you both doing here? Sorry, ma'am. Mom. शुप्रभात उर्मिला जी। मिस कामिनी, आपके स्टूडेंट्स असेंबली के लिए तैयार होने के बजाय यहाँ वहाँ घूम रहे। मैम वो मैं बात करने वाली थी। डोंट यू थिंक इट्स इनडिसिप्लिन, या वो आपकी भाषा में कहूँ तो अनुशासनहीनता। कम अगेन? अनुशासनहीनता। चलिए, आपको ये तो मालूम है कि आपके स्टूडेंट्स अनुशासन को तोड़ रहे हैं। आई होप आगे से ऐसा नहीं होगा। जी बिल्कुल। टेक केयर ऑफ यू। क्या आपने बुलाया मुझे? So what is your name? मैंने पूछा नाम क्या है तुम्हारा? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ what? What's your last name? सिद्धार्थ राजपूत। सिद्धार्थ राजपूत। ये ऑफिस जिसमें तुम खड़े हो, ये तुम्हें मालूम है किसका है? ये लेगेसी, ये एम्पायर जो कितने सालों से चली आ रही है, तुमको ये मालूम है किसकी है? अन्वेषा राजपूत, द एयर ऑफ वॉरियर हाई। और तुम कौन हो? प्लीज टेल मी व्हाट इज योर रिलेशन विद हर? आई एम हर ग्रैंडसन। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू रिमाइंड यू सिद्धार्थ, कि तुम अन्वेषा राजपूत के ग्रैंडसन हो। एंड व्हाट आर यू डूइंग विद द नेम? नथिंग। आई एम सॉरी। तुमने अपनी ट्रेन तक मिस कर दी? हाउ कैन यू बी सो केयरलेस? जरूरी तक नहीं समझा कि फोन करो, फोन ऑफ करके बैठे हुए थे। मॉम माय बैटरी डाइड। योर बैटरी डाइड? जस्ट शट अप। हम सब कितने परेशान हो रहे थे तुम्हें। डू यू हैव इवन स्लाइटेस्ट ऑफ आइडिया? तुमको मालूम है मैं पुलिस स्टेशन जा रही थी तुम्हारी मिसिंग कंप्लेन करने के लिए? ये तो अच्छा हुआ कि ऋषभ ने मुझे फोन करके कहा कि तुम स्कूल पहुंच गए हो। फिर हाउ कैन यू बी सो केयरलेस? आई एम सॉरी। सॉरी व्हाट? तो मिस्टर राजपूत, ये राजपूत जो होते हैं ना, जब बॉर्न विनर्स लूजर्स नहीं होते। आई नो मॉम, पर मैं हमेशा कोशिश करता हूँ ना। अगर तुम ट्राई कर रहे होते ना सिर, तो आज तुम यहाँ नहीं खड़े होते। तुम्हारी दादी जो है ना, she expects the best. I expect the best out of you. I know. But I don't have the control in every situation. अगर control नहीं होती तो control करना सीखो. Get a grip on situations. तुम्हारे future के लिए ना मैंने बहुत कुछ किया है. I've invested my whole life into you. Don't ruin it. Look at me. Look up. Look at me. You're my son. You mean everything to me, Sid. And I love you. Promise me one thing. You'd never let me down. I promise I won't. Thank you.
should go and get some rest. Good night. Hey bro. I hope everything is cool between us now. We are best friends. I hope your night call हमारे बीच कोई difference create नहीं करेगा. After all, it's a game. No man. ये सब चीजें हमारी दोस्ती के बीच में नहीं आ सकती. No. अच्छा वैसे मैंने सुना है इस semester में काफी hot chicks ने admission लिया है. क्या बात कर रहा है? मुझे कोई idea नहीं. मैंने अभी तक hunting शुरू कहाँ करी? तुझे क्या hunt करना है? तूने तो पहले ही क्रिजेन को पागल कर रखा है. हाँ यार, क्रिजेन इज क्रेजी अबाउट यू. तू नहीं आता चलता नहीं ना. सुनो, पागल है वो. ही इज क्रेजी एंड लेट मी मेक इट क्लियर, मेरा कोई सीन भी नहीं है उसके साथ. बट शी लव्स यू ब्रो. देख, उसके लव का डेफिनेशन और मेरे लव का डेफिनेशन बहुत अलग है. वो कूल है पर बहुत बोरिंग. और सबसे बड़ी बात पता है क्या, क्रिजेन के डैड और मेरी मॉम बहुत अच्छे दोस्त. तो उन लोगों को लग रहा है ये हाई स्कूल रोमांस ना कुछ बड़ा मोड़ लेने वाला है, पर ऐसा कुछ नहीं होगा. और ऑन द टॉप कहती है कि शादी से पहले कुछ नहीं कर सकते. क्या बोलती है वो? स्पेमी द हॉरर. नाउ हु इज दैट? धीरे धीरे इधर देखना भी नहीं उसकी तरफ. दिखने में प्रीटी लगती है पर पकाओ एकदम बहुत बड़ी पकाओ. अभी आके से वो लंबा सा लेक्चर सुना के जाएगी. ब्रो मैं उस लड़की की नहीं, लड़के की बात कर रहा हूँ. इन दोनों का सीन क्या है यार? वो मुझे नहीं पता पर मुझे उसकी लाइफ का क्रिजान लगता है. वो तो हम पता लगा ही लेंगे ये है कौन. पता नहीं कहाँ चली गई. कैसा उसको बाहर ढूंढने जा रहा था, मैम ने पकड़ लिया. पासवर्ड में तैयार कैसे होऊंगा मैं? सुन, I guess इसका नाम उत्कर्ष राजपूत है. क्या? उत्कर्ष राजपूत. राजपूत? हाँ. ब्रो, कहीं वो तेरा लॉन्ग लॉस्ट भाई तो नहीं है? नहीं. भाई ये तो ऑर्फन है. ये और पिद्दी लड़की दोनों मुंबई के किसी ऑर्फनेज से आए. वही पिद्दी लड़की जो स्कूल के बाहर भाग गई थी भाई. ये टॉवल भूल गया अपना. थैंक यू. वही है जो मेरी हेल्प करता है ये सब. तो अच्छा हुआ भाग गई. उसे ना किसी ड्वार्फ स्कूल में होना चाहिए था. पर पता नहीं यार उसके साथ ये लड़की है वो कौन है. पता करने की जरूरत भी नहीं है. छोड़ो ये सब बातें, गेट रेडी चलो. ये दाग तो निकल ही नहीं रहा है. मेरे पास और कोई शर्ट भी नहीं है. कहाँ फंस गई हूँ मैं. मुझे मुंबई भी वापस जाना है. पता नहीं मदर कितनी परेशान हो रही होगी. बिल्कुल नहीं निकल रहा है. शर्ट बच गई. सारी लड़कियाँ भी चली गई. बस इसे कोई देख ना ले. Maintain your line and ma'am will be here any moment.
Hey bro, वहाँ पे क्या खड़ा है? Come here, stand with your seniors. Morning. Good morning, everyone. I warmly welcome the new batch of 2015. This school focuses not only on academics, but on talent as well. Warrior Haine is Desh ko best dancers aur boxers bhi diye hain. And I'm sure that the new 2015 batch mein bahut talent bhara hoga. Har saal ki tarah, is saal ki shuruaat Torch of Honor se ki jaati hai. This torch is a tradition of our school. Night call jeetne wale team ka ek candidate is torch ko light karta hai aur apne fellow students ko pass on karta hai. Pichle kai saalon se the seniors have been beating the juniors. Lekin is saal history repeats itself aur ek student ne apne seniors ko night call mein beat kiya hai. I'm sorry to interfere, but we have won our juniors. Pramila ma'am ne khud declare kiye results. Then I'm afraid you're mistaken. Miss Vibha? Yes, ma'am. Please go and get the warrior. She is resting in my office. तुम नाइट कॉल जीत गए, यू आर अ विनर. मैं पर मैम मैं सब बाद में बताऊंगी, चलो. मैं कैसे बताती हूँ ना बाद में, चलो. मैम आई टोल्ड यू ना कि सक्सेस हाइट पे डिपेंड नहीं करती, अपनी कैपेबिलिटीज पे करती. दिस इज योर फर्स्ट एंड वॉरियर एंड यू ऑलरेडी बिकम अ लेजेंड, है ना. मैम ट्रस्ट मी, शी हैज चीटेड. वो नाइट कॉल सर्वाइव करने के लिए स्कूल प्रीमिसेस से बाहर चली गई थी. इट मींस शी इज डिस्क्वालीफाइड. आई एम अफ्रेड यू आर मिस्टेकन अगेन. इस जूनियर ने स्कूल के प्रीमिसेस के बाहर नहीं, पूरा नाइट कॉल मेरे ऑफिस के डेस्क के नीचे सर्वाइव किया है. एंड दैट मेक्स हर अ विनर. So one junior has turned the table on the senior. Aur kyunki the juniors have beaten the seniors,
इसलिए इस पूरे साल असेंबली में सीनियर्स जूनियर्स के पीछे खड़े रहेंगे। गुड, चिल करना, जस्ट अ गेम। प्लीज चेंज योर प्लेस। Right. So, child, what is your name? Ma'am, Neeti. Right, Neeti. So now you are the new legend of Warrior High. Thank you, ma'am. Come and light the lamp. Come, child. I can see from your face, तुम्हें इस जीत का विश्वास ही नहीं हो रहा है। Students, what we all think is predictable, and what happens is always unpredictable. And trust me, the unpredictable is surprising. Come, light the torch. With this, the new semester begins. और इसके साथ शुरू होता है इस स्कूल का दूसरा ट्रेडिशन, द वॉरियर हाई फ्रेशर पार्टी, जहां पे मिस्टर एंड मिस फ्रेशर को चूज किया जाएगा। उर्मिला, आई लीव दिस टू यू, विल यू फॉलो अप? थैंक यू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड कंग्रेचुलेशंस ऑन द बिगनिंग ऑफ द न्यू बैच। वॉरियर हाई में हर सेमेस्टर की शुरुआत में हम एक फ्रेशर्स पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि आप सब एक दूसरे को और अच्छी तरह से जान पाए। इस बार कौन अपना टैलेंट शो करके इस साल के मिस्टर फ्रेशर एंड मिस फ्रेशर बनते हैं? सो पुट योर बेस्ट शूज ऑन एंड लुक योर बेस्ट, बिकॉज एट वॉरियर हाई व्हेन यू वॉक इन विद अ स्टैच्यू। ऑल द बेस्ट, लेट द न्यू सेमेस्टर begin. Teachers meeting in 10 minutes. Congrats. Yeah. Yeah. Well done.